Hello everyone, welcome to our YouTube channel Knowledge Hub. Friends, subscribe to our channel and click the bell icon for the latest update. आज जो हम लोग डिस्कस करने वाले हैं वो बेटा रीजनिंग की क्लास डिस्कस करने वाले हैं और क्लास नंबर इज 39। आज जो डिस्कस करेंगे वो हम क्लासिफिकेशन को डिस्कस करेंगे, क्योंकि लास्ट क्लास में हमने क्लासिफिकेशन को स्टार्ट किया था, उसके बारे में बताया था, उसके 10 क्वेश्चंस भी ऑलरेडी हम कर चुके हैं। आज के क्लास में जो डिस्कस करेंगे वो फ्रॉम क्लास 11 to 20th क्वेश्चंस करने वाले हैं आज के क्लास में। तो प्लीज़ सबसे पहले तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लो अगर आपने अभी तक नहीं किया हमारे चैनल को सब्सक्राइब, और अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक और शेयर करो कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग के पास वीडियो पहुँचे और ज़्यादा से ज़्यादा लोग उसका यूटिलाइजेशन कर सकें। स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर, दैट इज़ क्लास 11, क्वेश्चन नंबर 11। दैट ऑप्शन ए इज आउंस, बी इज येन, सी इज पाउंड, सी इज डी इज फ्रैंक, एन ई इज डॉलर। ये असिस्टेंट सॉरी कैट के क्वेश्चन पेपर में पूछा गया है। जबकि जानते हो आप येन, पाउंड, फ्रैंक एंड डॉलर ये आपके करेंसी के हैं, आउंस जो है वो आपका सिनोनिम है, ना कि करेंसी है। तो बेसिकली दिस इज़ योर ऑप्शन, यू हैव टू राइट इट डाउन। फर्स्ट ऑफ ऑल क्लासिफिकेशन में यू हैव टू फाइंड आउट द ऑड वन आउट। जिसने लास्ट क्लास नहीं किया मैं उनके लिए बता दूँ, ऑड वन आउट होता है, प्लीज़ एक बार गो थ्रू कर लो कि जो भी रिलेशन आपको निकालना पड़ता है उसके अकॉर्डिंग जो भी ऑड होता है उसको आपको क्लियर करना। After that question number 12, that is option A is Panipat, B is Sarnath, C is Plassey, D is Kurukshetra and E is Haldighati। या RBI के क्वेश्चन पेपर में पूछा गया है। पानीपत हो, चाहे प्लासी हो, चाहे कुरुक्षेत्र हो, चाहे हल्दीघाटी हो, ये सब में आपकी लड़ाई हुई थी, बट सारनाथ में लड़ाई नहीं हुई थी। तो क्लास ये आपका ऑड वन आउट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 13। आर्क, डायमीटर, डायगनल, रेडियस एंड टेंजेंट। तो जाके अगर मैं बात बताऊँ सर्कल की, तो सर्कल में आर्क भी होता है, डायमीटर भी होता है, रेडियस भी होता है, टेंजेंट भी होता है, बट डायगनल नहीं होता। तो दिस इज योर ऑड वन आउट, बैंक पीओ के क्वेश्चन पेपर में पूछा गया था। ओके, देखो क्वेश्चन बहुत ईजी ही होते हैं, बट पॉइंट ये आ जाता है कि जब बच्चों को नहीं पता होता है तो फिर वो आसान क्वेश्चन भी उनको टफ ही लगता है। तो प्लीज़ एक बार गो थ्रू करना एंड प्रैक्टिस करना इज ऑल व्हाट इट इज़ इम्पॉर्टेंट। तो प्लीज़ गो थ्रू करना जानो और प्रैक्टिस ज़्यादा से ज़्यादा करो, तो ऑब्वियसली बात आप क्लियर कर लोगे। क्वेश्चन नंबर 14, दैट इज ऑप्शन ए इज वेल, बी इज क्रो, सी इज डक, डी इज स्नेक एंड ई इज टॉर्टोइस। ये आपके बैंक पीओ के क्वेश्चन पेपर में पूछा गया है। सो यू हैव टू टेल मी व्हिच इज द आंसर। तो वेल, क्रो, डक, टॉर्टोइस। स्नेक इज ऑड वन आउट, तो योर आंसर विल बी, नहीं योर आंसर विल बी वेल। तो क्योंकि क्रो, डक ये सब ये जो है ना ये लैंड पे मिलते हैं, बट वेल नहीं मिलता है। वेल इज दैट ऑर्गेनिज्म दैट इज फाइंड आउट, दैट इज अ कैटेगराइजेशन ऑफ फिश ऑल्सो एंड दैट इज लिव इन योर वाटर ऑल्सो, दैट इज ऑड वन आउट एंड बैंक पे के क्वेश्चन पेपर में पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 15, दैट आर्क, शॉवल, सॉ, नाइफ एंड स्वॉर्ड, वॉट विल बी द आंसर। द शॉवल विल बी द ऑड वन आउट, ये एम बी ए के क्वेश्चन पेपर में पूछा गया। ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 16, दैट ऑप्शन ए इज अंकल, बी इज नेफ्यू, सी इज ब्रदर, डी इज कजन एंड ई इज नाइस। अब आप देख सकते हो अंकल जो है, नेफ्यू है, कजन्स है, नाइस है, ये रिलेशन ऐसे हैं जो कि ब्लड रिलेशन नहीं है, बट ब्रदर इज़ अ ब्लड रिलेशन, सो दैट वाई सी इज एन ऑट। ओके, बिकॉज सारे नहीं है, ये एस बी आई पी ओ के क्वेश्चन पेपर में पूछा गया है। आफ्टर दैट यू हैव अ नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज अ क्वेश्चन नंबर 17। पेपर वेट, बी इज चेयर, सी स्टेबल, डी इज कवर्ड एंड ई इज ओफा। ये आर बी के क्वेश्चन पेपर में पूछा गया है आपका। सो यू हैव टू टेल मी विच इज द आंसर इज करेक्ट एंड यू हैव टू टेल मी अबाउट द आंसर ऑल्सो। सो कैन यू आंसर, या योर आंसर विल बी पेपर वेट। ओके, क्योंकि सारे चीज़ें आपका एक तरह का वो है, यू नो आइटम है जो कि हम लोग अपने घर में यूज़ करने के लिए करते हैं, फर्नीचर आइटम है। ओके, आफ्टर दैट नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 18, दैट स्वेम, ऑप्शन ए इज स्वेम, बी इज लिसन, सी इज योर सी आंसर इज क्लाइम एंड डी इज वॉक एंड ई इज रन, दैट इज बैंक पीओ के क्वेश्चन पे पूछा गया। तो स्विम है, क्लाइम है, वॉक है, रनिंग, ये सारी एक्टिविटीज हैं, लेसन इज द नॉट दैट एक्टिविटी, यू हैव टू डू इट, यू हैव टू जस्ट लेसन अलॉन्ग। नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 19, ऑप्शन ए इज आई थिंक इज आर नॉट विजिबल दैट वन, आई विल बी गिविंग वन, या आई थिंक इट इज ऑलवेजिबल नाउ।
So yeah, question number 19. Option A is needle, B is nail, C is hammer, D is screw and E is pin. जैसा कि needle की बात करें, screw की बात करें, nail की बात करें, pin की बात करें, इनके पास sharp edge pointed होते हैं. But अगर hammer की बात करें तो नहीं होता. तो that is odd one out. That is bank POK question paper में पूछा गया है. Next question, that is question number 20th and the last question for this session is, option is jaguar, B is your Chenopodium, C is convolvulus and D is gorilla and B is baboon. ये cat के question paper में पूछा गया. You have to tell me which is the answer is odd one out. That jaguar is your odd one out. तो class is आज के लिए इतना ही. Thank you. Hope you enjoy this video. If you like this video, please give a thumbs up and give a suggestion on a comment box. Thank you.